पांच उदाहरण लसन नंबर 15 का उदाहरण नंबर 1 निम्नलिखित आंकड़ों के लिए निम्नलिखित आंकड़ों के लिए हमको क्या बोलो मत क्यों बोल रहे हैं आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए प्यारा सा हमारे सामने सवाल है दिया गया 6 कमा करके 7 कमा करके 10 कमा करके 12 कमा करके 13 कमा करके 4 कमा करके 8। इसके लिए तुमने 2 खाना बना रहा खूब स्पष्ट है पर समझ लो ना बाबू ए जब भी ना ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो माध्य विचलन बताने के लिए देख लो माध्य भी निकाला और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन भी निकाला। एमडीज को एमडी कहते हैं का मान डाला बाहू मान में डाला हुआ तंत्र का था 6 7 10 12 13 4 8 12 मान लो एक्स आई के मान है आई में लिखा है एक्स आई माइनस माइनस एक्स पर बार एक्स पर बार का मालूम है माध्य पता है लेकिन माध्य तो माध्य बराबर होता है कुल पदों का 6 7 10 12 13 4 8 12 को संख्या बहु 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 को है ना पूरा जोड़ोगे तो 72 आ जाएगा 72 8 काटेगा तो 9 तो 9 हो गया यानी एक से डैश का मान तुम्हारे पास कितना है 9। अब देखो 9 में से 6 घटा दिया 9 रखना है 9 में 6 जाएगा 3 9 में 7 जाएगा 2 9 में 10 जाएगा 1 12 में से 9 जाएगा 3 13 में से 9 जाएगा 4 9 में 4 जाएगा 5 1 3 इतना तुमको मिल गया ठीक है। अब माध्य विचलन तुमको निकालना है सर जी पहले समझ लेता हूँ माध्य विचलन निकालना होगा तो कुल पदों का योग जो आया इसको जोड़ो 3 देखो इसका सूत्र होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स पर डैश एक्स एम एस बटा में जो संख्या है यानी लिख लेते हैं तो इसको जोड़ोगे तो आएगा 3 2 5 5 1 6 3 9 4 13 5 18 21 23 22 कितना आ जाएगा 22 जोड़ के देख लो तुम आ जाएगा सही है 22 है और यान का मान देख लो कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है 8 लिख लो भाग दे तो बात दोनों 16 6 7 8 56 8 40 इतना आपका आंसर आ गया। हाँ पूछो क्या पूछ रहे थे कर आओ पहले देखो माध्य का ठीक बा 15 है लेसन नंबर तो माध्य का कहेंगे निकालोगे सबसे पहले ना बता देते हैं तुम लोगों को कि नियम इसका होता है कि सर्वप्रथम संख्या को आरोही क्रम में रखते हैं आरोही क्रम में लिखते हैं आरोही क्रम में लिखते हैं वीडियो बताते हैं। पहला ये बात रहा आपका सर्वप्रथम माना छोटा से बड़ा छोटका तो बड़का तो बड़का तो बड़का ऐसे लिखते हैं आ सुनो दूसरा होता है यन बराबर सम में हो सम में हो सम का मतलब गिनने के बाद तो इसकी माध्यिका की जो सूत्र होती है बाबू माध्यिका की इसको माध्यक भी कहा जाता है n by 2 वहाँ पद प्लस n by 2 प्लस वहाँ पद अपान 2 ये होता है। तीसरा है कि n बराबर विषम में विषम में तो माध्यिका बराबर आपका सूत्र होता है n प्लस 1 अपान 2 वहाँ पद का मान ठीक है ये बात आपके पास का। और तीसरा चौथा तो जानता होगा कि अगर जब भी माने माध्यिका के सापेक्ष अगर माध्य विचलन कहता है माध्य विचलन करता है तो वही होगा सिग्मा
एक्स आई माइनस यहाँ पर हम कैपिटल एम होगा बटा में एम का है माधिका, यम का मतलब होता है माधिका, यम का मतलब माधिका, ठीक है। और एक्स का मतलब मान, जो मान दिया रहेगा वो। मान लो हमारे पास एक उदाहरण दिया गया, इसी को मैं आपको बता दे रहा हूँ। उदाहरण नंबर 3, ए बाबू बात मत करो, क्यों बात कर रहे हो बाबू, अपना पढ़ाई करो। नहीं यार, इस समय से एक सवाल तुम्हारा नहीं लगा, 6:30 हो गया तुम्हारा, 5:30 टाइम हो गया, आधा घंटा क्यों नहीं पढ़ रहे बताओ, लगाओ नहीं होता है तो मैं बता रहा हूँ, बैठे रहोगे मेरे इंतजार करते रहोगे तब तो पढ़ भाई, ऐ लगाओ आसान आसान लगाओ, जो नहीं आ रहा मैं हूँ ना, छोड़ दो नहीं आ रहा, आगे बढ़ो, मैं खुद बता रहा हूँ अभी। 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21। तो कहीं सवाल है ना, तो हमको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचरण ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले बाबू इसको आरोही क्रम में लिखोगे, किस क्रम में, आरोही क्रम में। सबसे छोटा सबसे पहले, देखो तुम लोग देखोगे इसमें ना, तीन कमा करके 3, 5, 4 है ना, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21, इतना हुआ। और सुनो ध्यान से, अब आपको इसको गिनो, यन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, ग्यारह का मतलब विषम में है, और जब विषम है तो माध्य का निकालोगे, माध्यिका निकालो, बस 11 + 1 / 2 वहाँ पद खमा, 11 × 12 = 12 / 2 वहाँ पद खमा, कटेगा तो 6वां पद देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे जो आरोही क्रम में लिखो वही लिखते, 9 आ गया, 6वां पद कहाँ आ गया, 9। अब सुनो कहाँ है, अब यहाँ से देंगे तो खाना बनाए तो याद है तुम लोगों को, वैसे ही आपको बनाना है, एक में एक्स आई और एक में माड में एक्स आई माइनस कैपिटल, तीन तीन, 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 तीन चार, चार पाँच सात सात नौ दस, एक काम करते हैं और ऊपर कर लेते हैं, छोड़ो इसको और ऊपर से लिखते हैं, चलो ऊपर एक्स आई और एक्स आई माइनस एम, 3, 3 एम के ऊपर पढ़ने लाएंगे, नहीं वो पढ़ना नहीं ला, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19 समझे, तो इसमें कितना आई बा माध्य, 9 आई बा, 9 + 3 = 6, 6, 5, 4, 2, 0, 1, 3, 9, 9 12, ठीक। अब क्या निकालना है तुमको, माधिका के सापेक्ष माध्य विचलन सूत्र होता है सिग्मा, क्या दे लिखने है मतलब होता है जोड़, तो जोड़ दो, जो पूरा जोड़ोगे ना तो 58 आएगा, कहा जाएगा 58, ये वाला हिस्सा जोड़ना, ये वाला और बटा में आई गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्यारह है क्या, 11 है, 11 दे दो, 11 × 55 = 2, 7, ये तुम्हारा आंसर है, आप पूछना तो पूछ सकते हैं, पूछना ये है। उदाहरण नंबर 4, ठीक है ना, क्या कहता है, इसमें भी यही कह रहा है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का है, एक रद्द के लिखो तो ना किताबों में, माध्य के सापेक्ष, पीछे भाई वो वहां पर रख, तुम भी लिखो, सब लिख लेंगे वो, मात के सापेक्ष माध्य में समय जिया नहीं है, मात विचरण लिखा, देखो 6वां 7वां ऐसे ही सवाल दिया है, मैंने देखो एक साई देता है, एक या फाई देता है, तुमने 10 में पढ़े हो याद है, थोड़ा बहुत का बहुत पढ़े हो, 2, 5, 6, 8, 10, 12,
और यहाँ दो आपको दिया है आठ दस तीन इसमें और बनाना पड़ता है, समझ रहे हो बात को? अच्छा मान लो माध्य के सापेक्ष कहता है तुमको माध्य चाहिए ना, तो माध्य कैसे निकाल लेता है? सिग्मा या फाई गुणे एक्स आई बटा में सिग्मा याद है दस वर्ष तुम पढ़े थे ना, उसी का यूज करना है। देखो पहले ना इसको योग लिखो, योग करें तो इसका या फाई गुणे एक्स आई निकाल लेना, तब यह एक्स आई माइनस एक्स पर बार का फिर यहाँ एफ आई और एक्स माइनस एक्स पर बार, मैंने अब फिर बनवा एक साई में मन, अगर ये नहीं रहता ना ये अपना ही दिया तो डायरेक्टली खाली यही निकाल कर लगा देता, लेकिन अब दे दिया तो अब सुना करो पहले दो दुना चार गुना कर रहा इसमें दो दुना चार आठ बजे चालीस फिर साठ फिर छप्पन फिर अस्सी चालीस देखो ध्यान से बोले चालीस और यहाँ तीन सौ ठीक है, तो एक काम करो पहले माध्य निकाल लो एक्स बटा एक्स तीन सौ, क्योंकि देखो इसका गुणा किया ये वाला हिस्सा तो ये तीन सौ है और यह फाई को जोड़े हैं हमेशा यह फाई होता है चालीस काट दो भाग दे दो सात सौ अट्ठाईस सात बजे पैंतीस चौदह सोलह पाँच आपका आ गया एक काम करना है तुमको देखो सात सौ पाँच लिखो चार घटाओ सात सौ पाँच लिखो नहीं लिखिए नहीं अच्छा समझा दी एक्स का मान एक साई का मान एक बार चार चार माइनस सात दशमलव पाँच चालीस माइनस सात दशमलव चार साठ माइनस सात दशमलव पाँच छप्पन सात दशमलव पाँच अस्सी माइनस सात दशमलव पाँच घटा तो घटा सकते हो ना, घटा होगा तो कितना है पाँच दशमलव पाँच दो दशमलव पाँच एक दशमलव पाँच दो दशमलव पाँच दो दशमलव पाँच चार दशमलव पाँच अभी आपसे गुना है मैं कर रहा है बस देख रहे तो पाँच से पाँच गुना करेगा ग्यारह तब बीस तब पंद्रह तब तीन दशमलव पाँच तब बीस तब बाईस दशमलव पाँच इसको जोड़ लो बानवे तब यहाँ पर लिखना माध्य के सापेक्ष माध्य को चलो बानवे अभी आप हल किए थे ना, मैंने बताया था कि यहाँ से माध्य पूछन जब भी निकालना होगा तो सिग्मा सिग्मा या फाई और एक्स माइनस एक्स पर बार बटा में सिग्मा या फाई तो बानवे आ गया बटा में चालीस चालीस जो अस्सी तो दो दशमलव तीन हमारे आ जाएगा छः सत्र एक नोट कर लेना कि पता रहेगा इसी से तुम्हारा सवाल लगेगा।